सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैट एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त सतत फसल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट ऑटोकैड। जी हां, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट ऑटोकैड इन फुल डिटेल। यानी कि आज हम लोग इस आने वाले 2 से 3 घंटे में हम लोग ऑटोकैड पूरा कवर करने वाले हैं, जो कि जिसमें जो भी आपकी कमांड्स यूज़ होती हैं ड्यूरिंग मेकिंग द ड्राइंग्स, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, चाहे आप मैकेनिकल से हैं, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, कौन कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जिसके थ्रू आपकी ड्राइंग्स बनती हैं, हम उनके रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। जो कमांड्स है वो भी हम करके देखने वाले हैं और थोड़ा सा डिटेल में भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी कमांड्स कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पूरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि ये पूरी वीडियो बिगिनर सीरीज़ के लिए है। अगर आप और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे जाके हमारे कॉन्टैक्ट्स गिवन है पीटीएस कैट एक्सपर्ट के, और वहाँ पे हमारे व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरा डिटेल कोर्स हमसे सीख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ऑटोकैड स्टार्ट करने के लिए अगर मैं बताऊं तो ऑटोकैड स्टार्ट करने के लिए अगर आपने जैसे ऑटोकैड इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे ऑटोकैड का आपको आइकन दिख रहा होगा। दिस इज़ द ऑटोकैड आइकन। आपके पास कोई भी वर्जन हो सकता है, 2020 या 2021 वर्जन हो सकता है, कोई भी वर्जन हो सकता है। मैं 2021 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है आप 2017 वर्जन यूज़ करते हो। ठीक है, यहाँ से आप डबल क्लिक करें एंड द सॉफ्टवेयर विल बी स्टार्ट। सो एज़ यू कैन सी, हमारा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। जब आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरीके की आपकी कोई एक वेलकम स्क्रीन आएगी। अब हर सॉफ्टवेयर की अपने अपनी एक स्क्रीन होती है, एक स्टार्टिंग इंटरफेस होता है, हम इसे वेलकम स्क्रीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारा एक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, जहाँ से हम अपनी ड्राॅइंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का है एंड देन नोटिफिकेशन का है। तो गेट स्टार्टेड में यहाँ पर आप कोई भी ड्राॅइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी शीट वगैरह ओपन करना, टेम्पलेट वगैरह सेट करना हम यहां से कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे आता है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि जो अभी आपने लेटेस्ट में कोई ड्राइंग हमने ओपन करी है, तो उसके रिगार्डिंग हमारा सारा डेटा यहां पे शो हो रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, इस तरह से हमने यहां पे ड्राइंग्स ओपन की थी पहले, तो ये शो हो रहा है। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन। अगर आपकी ऑटोडेस्क पे आईडी है, अगर आपने यहां से लॉगिन किया हुआ है, तो आपको यहां से नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है, सो ड्राइंग को स्टार्ट करते, जब आप ड्राइंग को स्टार्ट करना चाहें तो गेट स्टार्टेड का ये ऑप्शन आता है, यहाँ से आप क्लिक करो एंड देन इट विल स्टार्ट। तो एज यू कैन सी, इस तरह से हमारी ड्राइंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले ये हमारे का पहला आता है इंटरफेस। अब इंटरफेस को थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोई भी अपना एक कोई भी सॉफ्टवेयर आता है तो उसका अपना एक प्रॉपर इंटरफेस होता है। ठीक है, जब भी हम सॉफ्टवेयर को, मतलब जब भी स्टार्ट करते हैं, तो हर एक सॉफ्टवेयर का पर्टिकुलर इंटरफेस आता है। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा तो दिस इज़ कॉल्ड टाइटल बार। अब हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अपना एक टाइटल बार होता है, जिसमें उसका कंपनी का नाम कौन सा है, सॉफ्टवेयर क्या है, कौन सा वर्जन है। ठीक है, तो कंपनी का नाम है ऑटोडेस्क। मैं बता दूँ कि ऑटोकैड जो है ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है, जो कि अमेरिका पे बेस्ड है। तो ऑटोडेस्क के काफ़ी सारे और प्रोडक्ट्स भी आते हैं, उनमें से ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर आता है। इसके अलावा इसका सॉफ्टवेयर का नाम ऑटोकैड, ऑब्वियस ही बात है, वर्जन हम लोग 2021 वर्जन यूज़ कर रहे हैं और ड्राइंग का नाम ये है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार, या फिर मेन्यू बार में यहाँ से कहूँ, यहाँ से आप कोई भी चीज़ क्विकली एक्सेस कर सकते हो। कोई भी फाइल ओपन करनी है, सेव करनी है, ठीक है, यहाँ से आप सेव कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट में जो ये ऑटोकैड का आइकन है, दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन मेन्यू बार, जहाँ से आपको नई ड्राइंग स्टार्ट करनी है, ओपन करनी है, सेव करनी है, सेव एज करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है, तो इस टाइप्स के यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, यहाँ से आप वो चीज़ें कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आता है वर्क स्पेस का ऑप्शन। ऑटोकैड में 3 वर्क स्पेस होते हैं, ड्राफ्टिंग एनोटेशन सबसे पहला, दूसरा आता है 3D बेसिक
एंड थ्री डी तीसरा आता है 3D मॉडलिंग। तो ड्राफ्टिंग एनोटेशन में आपके 2D के ऊपर काम होता है ज़्यादातर, जितनी भी 2D ड्राइंग्स बनती हैं, चाहे हम सिविल के अंदर हम बात करें, अगर हम प्लान एलिवेशन बना रहे हैं, मैकेनिकल के अंदर हम बात करें तो हम कोई कंपोनेंट डिज़ाइन करना है किसी का एलिवेशन, सॉरी कोई कंपोनेंट या कोई पार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिकल के अंदर बात करें तो वहाँ पर हमें वहाँ पर मिलता है सर्किट डायग्राम्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाद आता है 3D बेसिक। 3D बेसिक में हमें 3D के बेसिक्स मिलते हैं, ठीक है, 3D मॉडलिंग के कुछ बेसिक्स मिलते हैं, और ये हमारा आता है 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग बेसिक का एडवांस वर्जन आप कह सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हमारा फोकस अभी 3D बेसिक पे, सॉरी ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख रहे होगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज कॉल्ड रिबन। अब रिबन में आपको काफ़ी सारे यहाँ पे टूल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इनको, जो आपको ये पूरा एक इलाका दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड पैनल, ठीक है। और जो ये आपका पूरी रिबन है, और हर रिबन में पैनल्स दिए हुए हैं, और हर पैनल के अंदर आपको टूल्स दिए हुए हैं ड्राइंग्स बनाने के लिए, और हर पैन जो हर रिबन है उसका एक अपना टैब दिया हुआ है, जैसे कि आप पे होम का टैब अलग है, सिस इंसर्ट का अलग है, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, इस तरह से आपको टैब्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द होल वर्कस्पेस, या फिर हम इसको व्यू पुट भी बोलते हैं, जहाँ पे आपकी सारी ड्राइंग्स बनती हैं, जो भी आप ड्राइंग बनाना चाह रहे हो, तो दिस इज़ कॉल्ड व्यू पुट। यहाँ पे आपको जो आइकॉन दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग यूज़र कोऑर्डिनेट आइकन, जो आपको ये वाई एक्सेस और एक्सेस दिख रहा है, ये दिस इज़ कॉल्ड UCI आइकॉन, यानी कि यूज़र कोऑर्डिनेट आइकॉन। एंड द सिस्टम, जो आपको ये पूरा सिस्टम दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे आपको एक्सेसिस और वाई एक्सेस भी दिख रहा है, जेड एक्सेस भी है, पर जेड एक्सेस आपको 3D में दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे आता है व्यू क्यूब। व्यू क्यूब के थ्रू हम लोग यहाँ पे चीज़ें व्यू कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी मान लो आपको वेस्ट व्यू देखना है, साउथ व्यू देखना है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। अगर अब मैं इन डायरेक्शन की बात करूँ तो जब भी हम प्लान बनाते हैं तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यहाँ पे नीचे आए तो ये आपका नेविगेशन बार है, यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है, ठीक है। जूम पैन के ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो हमारा पेज इस तरह से पैन हो सकता है। जूम हमें करना है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो एज यू कैन सी ये जूम हो गया, मतलब इस तरह से अगर आपको जूम करना है, जूम इन आउट करना है, तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका एप्लीकेशन मेन्यू बार आए, यहाँ पे आपको नीचे दिए हुए हैं ये है कमांड प्रॉम्प्ट बार, यहाँ पे हम लोग कमांड्स डालते हैं ऑटोकैड में, जैसे मैंने बताया कि कमांड्स हम करते हैं, कोई भी हम कमांड डालना चाहते हैं अपनी तरफ से, जो भी आपको कमांड एक्टिवेट करनी है तो उसको यहाँ पे आपको वैल्यू बस नाम डालना है उस कमांड का, एंड वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ ये एप्लीकेशन स्टेटस पर, यानी कि हमें स्टेटस शो कर सकता है, करता है कि कौन सी चीज़ें ऑफ है। अगर आप नीचे आएँ यहाँ पे तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको ग्रिड का ऑप्शन मिलेगा नीचे की तरफ, ठीक है। अगर आपको ग्रिड ऑफ करनी है तो सिंपली क्लिक यहाँ पे और ये आपकी ग्रिड ऑफ हो जाएगी, तो एज यू कैन सी ये ऑफ हो गई है। ऐसे अगर आपको इसको ग्रिड को वापस लेके आना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ तो ये आ गया इस तरह से, एज यू कैन सी ये वापस आ गया। तो इस तरह से आप लेके आ सकते हो, बाकी और भी ऑप्शंस हैं वो हम आगे आने इस वीडियो में देखेंगे। तो दिस वाज द होल इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी आती हैं, जो हमारी सबसे पहली, जो अगर मैं कमांड की बात करूँ तो यहाँ पे पहली जो हमारी कमांड आती है वो होती है ड्राफ्ट सेटिंग। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम जो भी कोई ड्राइंग ड्राफ्ट करने वाले हैं तो उससे पहले कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, तो यहाँ पे आता है ड्राफ्टिंग सेटिंग। तो DS एंटर इसकी कमांड आती है, तो यहाँ से मैं एंटर करता हूँ, तो जैसे मैंने एंटर किया तो एज यू कैन सी एक डायलॉग बॉक्स खुल के आया है मेरे पास, जो हमारे ऑप्शन नीचे यहाँ पे दिए हुए ये सेम ऑप्शंस आपको यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपको स्नैप ऑन करना है, ठीक है, स्नैपिंग अगर मैं की मैं बात करूँ तो जब भी हम कमांड लेंगे तो जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे स्नैप ऑन करता हूँ और ओके करता हूँ यहाँ से, हल्की सी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे मैंने यहाँ से एल एंटर किया तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो ये हमने ग्रिड्स हैं इनके ऊपर ये स्नैप कर रहा है, इट मीन्स जो भी ये ग्रिड है इसके ऊपर ये स्नैप करेगा। मान लो अगर हम लाइन बनाना चाह रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्नैप करेगा, तो एज यू कैन सी एक लेंथ के अकॉर्डिंग प्रॉपर लेंथ के साथ यहाँ पे लाइन बन रही है, तो इनका इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है। थ्रू द ग्रिड्स आप ड्राइंग्स इस तरह से बना सकते हो। बाकी मैं ड्राफ्ट सेटिंग में दोबारा से आऊँ तो जैसे कि आपको ग्रिड ऑफ करनी है यहाँ से आप सिंपली ऑफ कर सकते हो,
आपको ऑफ़ करना है ऑफ़ करो। इसके बाद यहाँ पे आते हैं स्नैप टाइप पे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है आइसोमेट्रिक व्यू स्नैप, ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगुलर स्नैप की, ऐसे ऑटोकैड के अंदर आइसोमेट्रिक स्नैप भी होता है। फिर आता है पोलर ट्रैकिंग का ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग एंगल्स को ट्रैकिंग का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। ये आता है ऑब्जेक्ट स्नैप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब भी आप ड्राइंग बना रहे हो तो ये सारे ऑप्शन से आप चेक लगे होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो अगर इस तरह से कुछ ऑफ दिए हुए हैं, मान लो जैसे कि कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको ऑफ दिए हुए हैं इस तरह से, तो आप किस तरह से इनको अनेबल कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद डायनेमिक इनपुट का ऑप्शन आता है, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप अनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वॉज द ड्राफ्ट सेटिंग। इसके अलावा और भी ऑप्शन आते हैं, जो अगर आप डीप में जाना चाहते हो तो क्लिक ऑन द ऑप्शन, तो आपका पूरा ऑप्शन बार खुल जाएगा। तो एज यू कैन सी यहाँ से हम ऑटोकैड का जो मेन सेटिंग है वो में चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो चीज़ एडिटेबल है आप उसी पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप में इसे अगर मैं ये बताऊँ तो कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हैं, तो उन्हें आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, यहाँ से आप कुछ चीज़ें चेंज ना करें। हाँ, कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इनके साइजेस वगैरह अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये इनके साइजेस आप चेंज करना चाह रहे हैं तो ये आप चेंज कर सकते हो। बाकी मेरी एडवाइस यही है कि बाकी जो सेटिंग्स हैं आप उन्हें ना छेड़े तो बेहतर रहेगा। तो मैं ऐसे अप्लाई करके ओके कर देता हूँ, एंड यहाँ से मैंने किया ओके। तो अब इसके बाद जो हमारी ऑटोकैड में जो दूसरा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है यूनिट सेट करना। जब भी हम ड्राइंग्स बनाते हैं तो उसमें सबसे मेजर जो पार्ट रहता है वो रहता है स्केल। अब मान लो कोई भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसका एक प्रॉपर स्केल रहता है, हम पूरी यूनिट के साथ ड्राइंग बनाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमारी कमांड आती है यूनिट कमांड। तो यूनिट की जो कमांड आती है वो आती है UN Enter। तो UN Enter यहाँ पे आप करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो एज यू कैन सी ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोकैड में यूनिट के 5 तरीके के टाइप्स दिए हैं, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक, जिनमें से हम लोग सिर्फ इन तीनों पे ही काम करने वाले हैं, इन पे ज़्यादा आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आर्किटेक्चरल, डेसिमल और इंजीनियरिंग पे ही आपका ज़्यादातर काम होने वाला है। तो यहाँ से मैं आर्किटेक्चरल सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आप चाहो तो डेसिमल भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर MM पर्पज़ के लिए तो आप डेसिमल सेलेक्ट करोगे, बाकी अगर आपको फिट इंचेस में काम करना है, ठीक है, तो एज यू विश आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं डेसिमल सेलेक्ट करता हूँ, बाकी मुझे MM में काम करना है तो यहाँ से मैं MM में सेट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। बाकी डेसिमल डिग्रीज में अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना भूल गया, ये आपका आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद कितनी जीरोज आ रही हैं हम उसे अब प्रिसीजन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। तो एज यू कैन सी हमने अपनी यूनिट जो है वो सेट कर ली है। अब इसके बाद जो चीज़ आती है वो आप देखिए, इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो कमांड करने यूज़ करने वाले हैं कमांड्स के बारे में। अब अगर हम कमांड्स की बात करें, जो हमारी ऑटोकैड की सबसे पहली जो कमांड आती है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट बेसिक कमांड विच इज़ कॉल्ड लाइन कमांड। तो लाइन कमांड में जो हमारी कमांड आती है वो आती है L Enter। तो L Enter जैसे आप करेंगे तो सबसे पहले से ये आपसे फर्स्ट पॉइंट पूछेगा। तो पहला पॉइंट जैसे पूछता है तो क्लिक किया, इस तरह से आपने क्लिक किया तो एज यू कैन सी इस तरह से आपकी लाइन आ रही है। अब ये आपसे दूसरा पॉइंट पूछता है तो क्लिक ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, फिर इस तरह से आप अपना नेक्स्ट पॉइंट दे दीजिए, फिर ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट एंड देन नेक्स्ट पॉइंट। अब मुझे इसे बाहर आना है तो सिंपली आप क्या तो एंटर कर सकते हो या फिर एस्केप। यहाँ से मैंने एंटर किया तो मैं यहाँ से कमांड से बाहर आ गया, ठीक है। बाकी अगर आप कमांड लेना चाहें या फिर लाइन लेना चाहें तो यहाँ से जो टूल बार में जो दिया हुआ है लाइन की कमांड, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो लाइन टूल आप यहाँ से सेलेक्ट करो, जो भी आपको बनाना चाह रहे हो, जो जिस तरीके का आप कमांड यूज़ करना चाह रहे हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं एल एंटर करता हूँ, जैसे मान लो मेरे को एक पर्टिकुलर लेंथ की लाइन बना रही है, मैंने रखा यहाँ पे 20, तो मैंने 20 लाइन ली, ठीक है। अब मुझे किसी एंगल पे लेके जाना है, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे लेके जाना है 60 डिग्री पे, तो यहाँ से मैं 60 डिग्री पे स्विच करता हूँ। मान लो जैसे मैंने दिया पहले, तो वेट ए सेकेंड, पहले हम लेंथ की लाइन डिफाइन कर लेते हैं। मैंने दिया लेंथ की लाइन थी 50 दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे स्विच किया एंगल पे, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे एंगल दिया 60 डिग्री का। तो एज यू कैन सी ये 60 डिग्री पे चला गया। अगर मेरे को एंगल चेक करना है तो मैं यहाँ से डायमेंशन के टूल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एंगल दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी इस तरह से आपका एंगल आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से हम इसमें
ड्राइंग्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये खैर ये तो खैर एक छोटा सा प्रैक्टिस था। अब मैं आपको दिखाता कि हम कौन कौन सी ड्राइंग्स के ऊपर काम करने वाले हैं। लेट मी शो यू। सो गाइस, इस क्लास के अंदर यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ड्राइंग्स दी हुई हैं, वो हम एक एक करके बनाने वाले हैं। किस तरह से आपकी ड्राइंग्स बनेंगी, किस तरह से हमारी जो कमांड्स हैं वो यूज़ हो रही हैं इसके अंदर, कौन कौन सी कमांड यूज़ हो रही है, किस तरीके से हम इसको ड्राइंग को बनाएंगे, वो हम आने वाले क्लास अभी इस क्लास में ही हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारी पहली जो हमारी कमांड है, जो लाइन कमांड है, वो तो यूज़ हो ही रही है। इसके अलावा कुछ और भी कमांड्स हैं वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं वापस से अपने ड्राइंग टैब पर। तो जैसे हम लोग लाइन कमांड की प्रैक्टिस कर रहे थे, इसके बाद आता है पॉलीलाइन का ऑप्शन। पॉलीलाइन क्या होता है? पॉलीलाइन एक तरीके से प्रोफाइल को हम कहते हैं। जो आपकी लाइन होती है वो एक सिंगल प्रोफाइल होती है। मतलब अगर मैं पॉलीलाइन से अगर कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि एकदम लाइन की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि लाइन और पॉलीलाइन में फ़र्क क्या रहेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल लाइन जैसा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का फ़र्क नज़र आ ही आएगा कि जब आप लाइन को सिलेक्ट कर रहे हो तो सारी लाइन सेपरेट सिलेक्ट हो रही है, लेकिन जब हम पॉलीलाइन को सिलेक्ट करने जाते हैं तो ये पूरा एक साथ सिलेक्ट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पॉलीलाइन आपकी एक पूरी सिंगल प्रोफाइल एक साथ बनती है, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर बनाना चाहते हैं तो जैसे एक चीज़ और मान लो, अभी आप नोटिस कर रहे हो कि मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, मतलब एक एंगल्स पे जा रही है। मैं ये चाह रहा हूँ कि लाइन थोड़ी स्ट्रेट जाए, तो लाइन को स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे आता है आपका एक शॉर्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑर्थो मोड, ठीक है। आप ऑर्थो मोड के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो F8 होती है। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन जो F1 बटन आता है और उसके साथ आप F8 प्रेस कर सकते हैं। F8 प्रेस किया हमने तो यहाँ पे हमने इस तरह से क्लिक किया, तो एज यू कैन सी अब हमारी जो लाइन्स हैं स्ट्रेट जा रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से बना सकते हैं, जो भी आपको रेक्टेंगल स्क्वायर आप जो भी बनाना चाह रहे हो तो वी कैन मेक इट। ऐसे ही सेम पॉलीलाइन की केस में भी है। तो जैसे मैं पॉलीलाइन लेता हूँ तो यहाँ पे आपको जो भी मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। अब मान लो मुझे एक तरीके से यहाँ पे कुछ कर्व लेके आना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो और आर्क लेके आ जाओ। जैसे मैं इसके बराबर में लेके आता हूँ, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग, ठीक है। आप ट्रैकिंग के थ्रू भी बना सकते हो। अब मुझे आगे लाइन फिर से कंटिन्यू करनी है तो मैं ऐसे लाइन क्लिक करता हूँ एंड इट्स क्रिएटेड। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो दिस इज़ द पॉली लाइन एंड लाइन। तो इस तरह से हम लोग कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये ड्राइंग है, तो मैं इस ड्राइंग को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी किया और यहीं पर ही मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ। तो एज यू कैन सी कॉपी आ गया, यहाँ पे मैं नीचे रख देता हूँ। तो ये एक तरीके से रेफरेंस लाइन रेफरेंस के लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो किस तरह से हम लोग कमांड का यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लाइन कमांड लेंगे। लाइन की जो कमांड आती है वो आती है एल एंटर, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं फॉर स्ट्रेटनेस। तो यहाँ पे इस तरह से क्रिएट करते हैं। अब जो एक लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 38। तो यहाँ पे हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये 38 आ रहा है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ 38। तो एज यू कैन सी इस तरह से बन गया। अब नीचे चल रहे हैं। अब एज यू कैन सी जो यहाँ पे रेडियस दिया, डायमीटर दिया हुआ है, मैं रेडियस नहीं की मैंने। अगर मेरे को रेडियस चेक करनी है तो मैं ऐसे रेडियस भी चेक कर लेता हूँ। तो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें रेडियस 30 मिल रही है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक पॉलीलाइन, ठीक है। पॉलीलाइन लिया यहाँ से मैंने, यहाँ पॉलीलाइन के जो का जो ऑप्शन आता है राइट क्लिक किया और यहाँ से आर्क लेंथ ले लिया। तो मैंने यहाँ पे रखा 30, ठीक है। तो एज यू कैन सी जो रेडियस है वो 30 आ गया है। लेट मी चेक, ओ सॉरी 15 है एक्चुअली। जो आर्क बनी है वो एक्चुअली डायमीटर के अकॉर्डिंग बनी है। तो हमें यहाँ पे पॉलीलाइन के अंदर PL एंटर किया हमने, यहाँ पे क्लिक किया और राइट क्लिक करके यहाँ से हम ले लेते हैं आर्क। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं रेडियस का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जो आर्क है वो उल्टी तरफ बन गई है। तो कंट्रोल प्रेस करें तो यहाँ पे आग इस तरफ बनने लग जाएगी। तो आप यहाँ पे दे दें
मैंने दिया 60, तो एज यू कैन सी इट्स क्रिएटेड। तो यहाँ से मैं वापस से लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने लाइन लिया और यहाँ से मैंने एक रेफरेंस क्रिएट किया, ठीक है। अब मुझे ऊपर चलना है तो ऊपर कितना है आपका 15, तो यहाँ से मैं 15 चलता हूँ। 15 चलने के बाद अंदर यहाँ पे एक सेकेंड, अंदर एक्चुअली यहाँ पे लेंथ गिवन नहीं है, तो मैं ऐसा लेंथ दे देता हूँ, तो शायद ये एक सेकेंड लेट मी चेक, तो ये 10 है, तो यहाँ से मैं 10 दे देता हूँ अंदर की तरफ। वापस से मैं यहाँ पे लाइन ले रहा हूँ क्योंकि आगे हमारा कोई अब सर्कुलर काम नहीं है, तो हम डायरेक्ट लाइन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 10 चले एंड ऊपर भी हम लोग गए 30, एंड 30 चलने के बाद यहाँ पे आते हैं 10 पे। तो एज यू कैन सी एक ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो सर्कल है वो इस तरफ बना हुआ है, ठीक है, और जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, अगर आप देखो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है 15। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, तो लाइन ले लेते हैं, या फिर आप ये कर सकते हो कि जो सर्कल है, या फिर आप ये कर सकते हो कि लाइन है, यहाँ से हम लोग लेते हैं 15, ठीक है, 15 लिया यहाँ पे। 15 लेने के बाद हम यहाँ पे और आगे चलते हैं, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इन दोनों की जो सर्कल की जो रेडियस है वो लगभग सेम है, या फिर एक तरीका और है, अगर आप देखो तो जो जो ये आर्क है और इसकी जो सर्कल है, इन दोनों का रेडियस सेम है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जैसे आप सेट करते हो तो इस तरीके की सेंटर पॉइंट शो होता है। इसका फ़ायदा यही है कि आप क्लिक करके इसके ऊपर सर्कल बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रेडियस लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 15 पे एंटर करता हूँ, तो एज यू कैन सी इस तरह से आपका बन गया। अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे लाइन पे मैंने कलर भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो रेडियस है उसका भी कलर अलग है, और जो यहाँ पे लाइन है उसका कलर भी अलग है, और इसका टाइप भी थोड़ा सा डैश डैश आ रहा है। तो किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे इसको, देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता देता हूँ, जो ये लाइन टाइप आ रहा है उसको हम लोग क्रिएट करके देते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन, प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे यहाँ पे आने के बाद आप एज यू कैन सी यहाँ पे हमें लाइन टाइप गिवन है। अगर आप लो, जैसे कि जब आप स्टार्ट करते हो ऑटोकैड, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप अगर मैं इस टैब पे आऊँ तो इस टैब पे अगर आप आउट के देखोगे तो यहाँ पे आपको लाइन टाइप गिवन नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैंने कॉपी कर लिया था, तो आपको यहाँ पे लाइन टाइप भी ऑलरेडी गिवन है। मान लो अगर लोडेड ना हो, यहाँ से आपको लोडेड मिलेगा, अगर लोडेड ना हो तो आप अदर्स पे क्लिक करो, ठीक है। अदर्स पे क्लिक करने के बाद एज यू कैन सी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आपको आना है लोड पे। तो लोड पे आने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है, आप जो भी आपको लाइन टाइप सेलेक्ट करना है, जो भी जिस भी टाइप का आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। जैसे मुझे ये सेलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ से ओके किया, ठीक है, जैसे मेरे को ये सेलेक्ट करना है, ओके किया यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ओके कर सकते हो। तो एज यू कैन सी ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से आप लाइन टाइप देख सकते हो, तो दोनों ही लाइन टाइप्स हैं मेरे पास, जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है और जो पहले सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो मैं पहले वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आप ये भी चाह रहे हो तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो, तो यहाँ से L एंटर करते हैं, और यहाँ से मैं लाइन के इसका पास लेके आता हूँ, तो ताकि मैं सेंटर लाइन मिल जाए। तो यहाँ से मैं इस तरह से क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं इसको आगे तक ड्रैग कर देता हूँ। L एंटर सेम मैंने किया, सेम मैं इसका सेंटर पॉइंट लूँगा और ऐसे मैं इसको आगे तक इंक्रीज कर दूँगा। तो एज यू कैन सी, मैं अगर मेरे को इसको स्ट्रेच करना है तो ये जो पॉइंट्स कहलाते हैं, ये पलक कहलाते हैं ग्रिप पॉइंट्स। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ट्रैक कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अब आते हैं कि अब आप देख सकते हो कि इन सब कलर भी अलग अलग है। तो कलर देने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप कलर देना चाह रहे हो तो पहले मैं आपको कलर का बता देता हूँ। तो कलर देने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये आपका कलर ऑब्जेक्ट है। आपको करना क्या है कलर अप्लाई करने के लिए, यू हैव टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट फर्स्ट। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए यहाँ से मैंने। तो मेरे को जैसे इन लाइन के लिए अलग से पर्टिकुलर कोई कलर देना है तो मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ। जैसे मेरे को ये सेम कलर देना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मैंने ये सेम कलर दे दिया। अब जो यहाँ पे आपको ये लाइंस दिख रही है, इनका भी कलर अलग है, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको कलर सेम वही अप्लाई कर देंगे जहाँ पे अप्लाई किया। तो कुछ इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायमेंशनिंग करेंगे, पर बाद में करेंगे, ठीक है। वैसे अगर आपको डायमेंशंस देनी है तो आप डायमेंशन इस तरह से दे सकते हो,
फ्रॉम ये जस्ट लाइक दिस, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। अभी जो डायमेंशन टाइप का जो लाइन टाइप है वो अलग आ रहा है, तो मैं इसको वापस से सेम वापस से नॉर्मल कर देता हूँ और वापस इसको नॉर्मल कर देता है ताकि जब डायमेंशन लें तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, एक डायमेंशन और सेलेक्ट किया। वेट अ सेकेंड, एक डायमेंशन और सेलेक्ट किया और एक इस तरह से, कुछ इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट या फिर मैं एक और डायमेंशनिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको रेडियस देनी है तो हम यहाँ से रेडियस भी देंगे। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को और यहाँ से हम इसको रेडियस दे देते हैं। ठीक है, जैसे मुझे इसके ऑब्जेक्ट की रेडियस जाननी थी तो मुझे रेडियस भी मिल गई। मान लो मुझे इसका डायमीटर भी जानना है, जैसे अंदर वाला ऑब्जेक्ट है उसका मुझे डायमीटर जानना है, तो क्लिक फ्रॉम ऑन द डायमीटर ऑप्शन, तो आपको डायमीटर भी मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे कलर भी चेंजेस, जैसे कि अच्छा एक डायमेंशन रह गया एक्चुअली, लेट्स गिव इट ऑल राइट, ये डायमेंशन और रह गया था, मैं ये भी दे देता हूँ। अब मुझे इनका कलर चेंज करना है, इनका भी सेम वही ऑप्शन है, सेलेक्ट करो इनको। वैसे हम आने वाले कमांड में ये भी करेंगे कि इन डायमेंशंस को भी हम अपने तरीके से कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कलर दे देते हैं सेम इस तरह से। ठीक है, तो एज यू कैन सी इट्स क्रिएटेड। तो इस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले कुछ कमांड्स और देख लेते हैं, कुछ और ऑप्शंस आते हैं। जैसे यहाँ पे आपको आर्क की कमांड दी हुई है, आर्क में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं अगर आप देख सकते हो, तो दिस इज़ द आर्क कमांड। तो आर्क में अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं जैसे इस ड्राइंग में आ जाता हूँ फॉर प्रैक्टिस पर्पस, तो जैसे अगर आप यहाँ पे आओ तो काफ़ी सारे आर्क के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आर्क देने के लिए आपको कमांड आती है ARC एंटर। ठीक है, ARC एंटर किया, आर्क क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूँ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप आर्क बना रहे होगे तो आपको जो है ऑर्थो मोड ऑफ करना है, तो जब भी आपकी आर्क बनेगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट पे क्लिक किया, दूसरा पॉइंट पे क्लिक किया और तीसरे पॉइंट पे आपका आर्क बन जाएगा। तो ऐसे कैन सी इट्स क्रिएटेड। तो और भी ऑप्शंस हैं, अगर हम लोग यहाँ से चेकआउट करना चाहें तो वी कैन चेकआउट, मतलब हम एक बाय एक करके देख सकते हैं। जैसे मेरे को कोई भी अगर एक चेक करना है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट सेंटर एंड दिया हुआ है, तो स्टार्ट सेंटर एंड के लिए क्लिक फ्रॉम ऑन द स्टार्ट पॉइंट एंड देन एंड सेंटर पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट। तो इस तरह से आपका एक आर्क बन गया। अगर आप वैसे कहना चाहें तो हम आर्क को पूरा एक सर्कल बना सकते हैं, बट वो कंप्लीट नहीं बनेगा। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर आप लॉजिक भी लगाओ तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से आपका जो सर्कल है वो कंप्लीट हो रहा है। मतलब कंप्लीट तो नहीं कह सकते, बट देर इज़ सम पार्ट मिसिंग, मतलब यहाँ पे एक पार्ट छूट रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, आग जब ही बनेगा जब इन दोनों के बीच में गैप रहेगा, तो गैप से ही फर्क पड़ जाता है। तो ये भी आप एक तरीके से आपकी आग बन रही है। तो आर्क के हेल्प से हम ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं ऑप्शन पे आता हूँ, जो अगली ड्राइंग है उसे हम आर्क के ऊपर ही हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी कुछ और भी इसमें कमांड्स आती हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ये कर्व है ये मैंने फिलेट की हेल्प से दिया है। अगर आप फिलेट कमांड भी मैं बताऊँगा कि हम किस तरह से दे सकते हैं। अगर आपको आर्क की हेल्प से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे कि मैं को यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट सेम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेट्स राइट। तो यहाँ से मैंने लिया एंटर, एक सेकेंड मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेम वही Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। ठीक है, तो Ctrl+C Ctrl+V ये शॉर्टकट की होती है कॉपी के लिए। तो यहाँ पे मैंने कॉपी के प्लेस क्लिप किया है, तो यहाँ पे आप लाइन ले लीजिए सिंपली। तो जो ये हमारी लाइन है दोनों की बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई है 22, तो यहाँ से हम 22 mm की कोई लाइन ले लेते हैं, यहाँ से मैंने दिया 22। ठीक है, अब आप देख सकते हो आगे आर्क दी हुई है। ठीक है, तो अब आगे आर्क दी हुई है, तो सेम हम लोग यहाँ पे लेंगे पॉली लाइन। ठीक है, PLNT किया यहाँ से मैंने, या फिर आप ये कर सकते हो, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं स्टार्ट एंड डायरेक्शन, या फिर स्टार्ट एंड एंगल, या फिर देखिए किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो ये रेडियस दिया है, अब ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो 10, यहाँ से यहाँ तक की तो सिर्फ 10 होगी, तो और टोटल कितनी होगी 20। तो हम एक लाइन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है,
लाइन क्रिएट किया, यहाँ से मैंने रखा 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक आर्क क्रिएट करते हैं। बहुत ही एक इजी तरीका क्या है, यहाँ पे आपको स्टार्ट एंड डायरेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लेते हैं स्टार्ट पॉइंट, देन एंड पॉइंट, एंड देन गिव द डायरेक्शन। तो जब मैं इसकी रेडियस चेक करूँगा या फिर डायमीटर चेक करूँगा जो भी, तो वो आपको सेम मिलेगा। तो एज यू कैन सी सेम रेडियस आ रहा है हमारे पास। अब जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको लाइन दी हुई है, तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने दिया, अब रेडियस 10 है, तो ऑब्वियस ही बात है हमें 10 का लाइन क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने 10 की लाइन क्रिएट की, सेम हमने यहाँ पे आर्क लिया एंड इस पॉइंट पे से इस पॉइंट तक, वेट अ सेकेंड, इस पॉइंट तक हमने एक लाइन क्रिएट कर ली। तो एज यू कैन सी इट्स क्रिएटेड। बाकी दो लाइन्स हैं उनको डिलीट करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे जो आपकी लाइन दी हुई है उसकी जो लेंथ है वो है 40, तो यहाँ से मैंने 40 लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं, तो नीचे आपको सेम वही जो हमने यहाँ पे किया था, 20 लेना है आपको नीचे, ठीक है। मैंने यहाँ से एंटर किया, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे आर्क, ठीक है, स्टार्ट एंड डायरेक्शन लेंगे, क्लिक किया, पहला पॉइंट क्लिक, दे सेकेंड पॉइंट क्लिक एंड इट्स क्रिएटेड लाइक दिस। तो इस तरह से हमारा लाइन क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ, अब मुझे इसकी डिस्टेंस नहीं दी गिवन है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे मुझे आर्क देनी है, तो एक तरीका क्या है, एक हमारे यहाँ पे एक कमांड आती है फिलेट, जो फिलेट की जो कमांड आती है वो आती है एफ एंटर। वैसे ये कमांड आगे की है, बट मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस कमांड का यहाँ पे यूज़ है। तो यहाँ पे एफ एंटर करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे एफ एंटर करता हूँ, तो हमें ऑलरेडी मैंने रेडियस डाली हुई है। हम किस तरह से रेडियस डालेंगे, यहाँ पे एफ एंटर किया हमने, यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन आता है, क्लिक किया, मैंने दिया जो यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन है, कितना आ रहा है एक्चुअली 10, तो मैंने 10 डाला, पहले लाइन सेलेक्ट की, सेकेंड लाइन सेलेक्ट एंड देन इट्स अप्लाई। बाकी जो ये दो लाइन्स हैं आप चाहे इनको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। सेम वही हम लोग सेंटर लाइन देंगे, सेंटर लाइन देने के लिए यहाँ से हम डायरेक्ट ही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने लाइन लिया इस पॉइंट से, ठीक है, या फिर आप सेंटर पॉइंट से भी ले सकते हो। तो जैसे सेंटर पॉइंट से लिया और इसको आगे तक, मतलब ग्रिप पॉइंट्स की हेल्प से हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। ऐसे ही सेम मैं यहाँ पे इसको भी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इस तरह से इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब अगर आपको इसमें और अच्छे से करना है, तो यहाँ पे मैं लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और दोनों एंड पॉइंट्स को इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ, तो एक क्रॉस सेक्शन टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो हम कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट यू हैव क्रिएटेड। बाकी आपको कलर वही सेम देना है। अब यहाँ पे एक अगर हम चाहें तो लेयर का भी एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेयर्स क्या होती है। अगर हम ऑटोकैड में बात करें तो लेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो विद द हेल्प ऑफ लेयर्स किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे जो ये लेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। वैसे जो इसकी शॉर्टकट की आती है या फिर एक कमांड आती है वो आती है LA Enter। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस ऑप्शन से हम यहाँ पे लेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक लेयर क्रिएट की, कोई भी आप नाम देना चाहो, मैंने दिया कोई 1, 2, 3, जो भी आप नेम देना चाहो, मैंने इसका नाम 1 दे दिया। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। बाकी लॉक वगैरह ये सब चीज़ें हम आगे, जब हम, अगर आप ऑटोकैड के लिए अप्लाई करते हो तो हम ये चीज़ पूरी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मान लो मुझे इसका कलर देना है, मैंने दिया इसका येलो, ठीक है। तो यहाँ से हम ओके कर लेते हैं। अब जो ये पूरी लाइन है, इन सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो हमने बनाया है, इस तरह से। और हम इसको यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, यहाँ से हम इसकी लेयर चेंज कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे आ गया। अब आप सोच रहे होगे कि हमने ऑब्जेक्ट एक तो हमने नॉर्मली बनाया और एक हमने लेयर पे लिया है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क ज़मीन आसमान का है। देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट लेयर के थ्रू बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप ड्राइंग बना रहे हो, जब आप उसको प्रिंट आउट निकलवाते हो, आप चाह रहे हो कि
जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपके पास कोई प्लान है, ठीक है, आप ऐसा सिविल इंजीनियर हैं, आपके पास कोई प्लान है, काफ़ी तरीके की ड्राइंग्स बनती है उसके अंदर, ठीक है, आप नॉर्मल टिपिकल प्लान लेके जा रहे हो किसी अपने क्लाइंट के पास, ठीक है, और उसके अंदर कॉलम्स भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। अब वो ये चाह रहा है कि मुझे सिर्फ कॉलम्स कॉलम्स देखने हैं, मुझे वॉल से कोई मतलब नहीं है अभी, मुझे बाकी कोई डोर विंडो से कुछ मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ कॉलम्स देखने हैं। अब आपने क्या कर रखा है कि कॉलम के लिए वगैरह इन सब के लिए अलग से लिए ऑलरेडी बना के रखे हैं, आप क्लाइंट के पास ले जाते हो, वो कहता है कि अरे सर ये तो एक्चुअली इस टाइप से तो मुझे नहीं चाहिए था, तो अब आप मतलब मेरे को तो ये कॉलम लेआउट दे दीजिए। अब अगर मान लो आपने वहाँ पे नॉर्मल लेयर से बनाई होती तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती, आपको बार बार में डिलीट करना पड़ता तो काफ़ी टाइम लग जाता। लेकिन हम बात करें इसकी तो यहाँ से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ ड्राइंग में ना दिखे तो यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये हो गया ऑफ, मतलब वो ऑब्जेक्ट वहीं पर ही है, जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, मैं इसको वापस लाना चाह रहा हूँ तो इस तरह से वो ऑफिस भी ला सकते हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था अबाउट लेयर्स, ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, मगर मैं ये चाह रहा हूँ तो जैसे मैंने लेयर्स बनाई हैं तो मैं यहाँ पे लेयर के थ्रू एक और नई लेयर क्रिएट कर देता हूँ सेम ऐसे ही, और मैं इसका वही कलर दे रहा हूँ जो हमने पार्टीशन लाइन का दिया हुआ है, जो सॉरी रेफरेंस लाइन का है। तो यहाँ से मैं इसकी लाइन टाइप भी चेंज कर सकता हूँ, इस ऑप्शन से मैंने ये सेलेक्ट किया तो डायरेक्ट हमें लाइन टाइप मिल गया, ठीक है, और इन सभी को मैं यहाँ से इसकी लाइन टाइप भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं आता हूँ, ऑलरेडी दिया हुआ है तो एस यू कैन सी इट्स क्रिएटेड, ठीक है, मैं यहाँ पे बाय लेयर कर देता हूँ। तो ये आपका एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है कि जब आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे बाय लेयर शो रहा होता है, बाय लेयर और बाय ब्लॉक दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम डायमेंशनिंग देना चाहें तो सेम हम वैसे ही डायमेंशनिंग वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, तो सेम वही आप डायमेंशन देना चाह रहे हो आप इस तरह से, यू कैन गिव दैट, ओके। अब आते हैं अगली कमांड पे, अगले जो हमारी कमांड आती है वो आती है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है पॉलीगन। तो हम सबसे पहले रेक्टेंगल को देखते हैं। तो रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद मैं आपको समझा देता हूँ, इस ऑप्शन पे आते हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। यहाँ से हम इस ऑप्शन पे आते हैं रेक्टेंगल लेने के लिए, क्लिक करो यहाँ से, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्लिक किया मैंने, क्लिक किया। अब आप अगर आप नॉर्मल रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हो तो आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगला यहाँ पे जैसे मैं REC एंटर करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले आता है एरिया का, देन डायमेंशन एंड देन रोटेशन। तो एरिया में क्या है, आपको सबसे पहले एरिया डालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो मैंने जैसे दिया 1000 और एक का दे दिया मैंने यहाँ पे 20 दे दिया, या फिर मैंने दे दिया 40, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मतलब सॉरी एक सेकेंड हमने शायद गलत कर दिया, वहाँ पे हमें एरिया देना था, क्लिक किया हमने, यहाँ से एरिया पे आते हैं, मैंने एरिया रखा 1000, ठीक है, मैंने लेंथ सेलेक्ट की, यहाँ पे लेंथ मैंने यहाँ पे रखी 40, ठीक है। तो एज यू कैन सी एक छोटा सा रेक्टेंगल विथ परफेक्ट साइज हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। इसके अंदर और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायमेंशंस, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी एक डायमेंशन दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रखा 80, ठीक है, 80 लेंथ है और 90 विड्थ है। तो एज यू कैन सी एक 80x90 का एक रेक्टेंगल हमारा क्रिएट हो गया, वो थोड़ा सा इक्वल दिख रहा होगा बट एक स्क्वायर नहीं, ये एक रेक्टेंगल दी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो एज यू कैन सी एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है या फिर एक सिंपल सी मैंने विंडो क्रिएट की है विद हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, रेक्टेंगल लेने के बाद मैं यहाँ से सिंपली क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे हमें लेंथ दी हुई है और टोटल विड्थ भी दे देते हैं, एक सेकेंड मैं यहाँ से टोटल विड्थ दे देता हूँ। जो ये वो रेक्टेंगल बना है, ये आउटर है, ठीक है, इसका अगर मेरे को कलर चेंज करना है सेम यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिया रेक्टेंगल,
क्लिक किया यहाँ पे, मैंने डायमेंशंस पे गए तो ऑब्वियसली हमें डायमेंशन दी हुई है। सो पहली डायमेंशन है वो है लेंथ, तो लेंथ है यहाँ पे 291.96, एंटर किया। अब यहाँ से हम विड्थ दे सकते हैं, तो विड्थ हमने रखा 167.673, ठीक है, और एंटर कर दिया। तो जैसे आप देख सकते हो सेम वही साइज़ का हमें डायग्राम मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको, ठीक है। अब L एंटर किया यहाँ पे, मैंने एक कमांड यूज़ की जिसका नाम है ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, बट उसके पर्टिकुलर एक परफेक्ट डिस्टेंस पे। किस तरह से, O एंटर किया मैंने यहाँ पे, O एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑफसेट दिया 10 का, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 है। मैं अंदर की तरफ करना चाह रहा हूँ, आई हैव क्लिक इन इनसाइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लाइन ले लेते हैं और एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके बीच में। इस तरह से आपका एक विंडो बन गई है। यहाँ से मैं इनका कलर भी चेंज कर सकता हूँ या फिर मैं इसके लिए भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट आप ये चेंज कर दें काफ़ी बेटर रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से एक ये ऑब्जेक्ट लेते हैं, मैंने यहाँ से इसको किया कंट्रोल सी, सेलेक्ट किया, कॉपी किया इसको यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपको कॉपी करना है तो इसकी कमांड आती है या फिर एक कमांड यूज़ होती है, दिस इज़ कॉल्ड कॉपी, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर किया मैंने यहाँ से, एंटर करने के बाद मैं इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग कर लेता हूँ और साइड में क्लिक कर लेता हूँ। तो इसको बना के देते हैं, इसमें लाइन का यूज़ तो हो ही रहा है, उसके अलावा ऑफसेट का भी यूज़ हो रहा है और कुछ और भी कमांड्स ऐसी जो आपको नहीं पता होंगी, ठीक है। तो देखो किस तरह से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने लिया सर्कल, अब यहाँ पे जो सर्कल दिया हुआ है, आउटर जो सर्कल है वो दिया हुआ है 100 डायमीटर का और इनर दिया हुआ है 83 डायमीटर का। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ सेंटर डायमीटर का। सर्कल में ऑप्शन आता है सेंटर डायमीटर, यहाँ से आप डायरेक्ट डायमीटर के सर्कल्स बना सकते हो। तो मैंने कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे मैंने रखा, सबसे पहले रखा इनर। इनर कितना है 83 डायमीटर, ठीक है। तो एज यू कैन सी इट्स क्रिएटेड लाइक दिस। अब यहाँ पे एक सर्कल और दिया हुआ है, दोनों का सेंटर सेम है और दोनों कोसेंट्रिक सर्कल है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 100 का, डायमीटर सेम है, तो यहाँ से हमने लिया सेंटर डायमीटर। तो यहाँ से ओके, तो यहाँ से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 100। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ आपका क्रिएट हो गया। तो यहाँ से एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमने एक लाइन ले लेते हैं, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो रेफरेंस लाइन के लिए यहाँ से हमें एक लेयर ले लेते हैं। सबसे पहले तो इसका भी लेयर में चेंज कर देते हैं डायरेक्ट। अब विद द हेल्प ऑफ लेयर्स हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हमें रेफरेंस लाइन बनानी है, तो हम डायरेक्ट एल एंटर करते हैं और यहाँ पे सेंटर पॉइंट के थ्रू हम यहाँ पे लेंथ दे देंगे ऑब्जेक्ट की। ऐसे ही सेम यहाँ पे हम आगे तक एक्सट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी ज़्यादा चला गया, क्लिक किया हम यहाँ से तो एच तक चला गया इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज़ द रेफरेंस लाइन, ठीक है। ऐसे सेम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ ताकि स्ट्रेटनेस रहे। तो यहाँ पे क्लिक किया हमने यहाँ पर, हाँ इस तरह से, जैसे एज यू कैन सी इट्स क्रिएटेड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर एंगल पे जा रहा है, तो ये जो एंगल दिया हुआ है 48 पे दिया हुआ है दोनों ही एज से। अब जो मैं यहाँ पे सेंटर लाइन दी हुई है, इस सेंटर लाइन से यहाँ पे लेंथ यहाँ पे दी हुई कितनी, एक सेकेंड, यहाँ पे यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का दिया हुआ है। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट रहेगा ये। वो बन रहा है 48 का और जो ये रेफरेंस लाइन है यहाँ से इसका बन रहा है 24। तो अगर हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहें तो ये लाइन किस तरह से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन बनने यूज़ होने वाली है। यहाँ से ऑर्थो मोड में ऑफ कर देता हूँ और जो ये सेंटर लाइन है यहाँ से मैं दूसरी लाइन लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कोई दूसरी लाइन लेते हैं, यहाँ से लाइन 1, ठीक है।
अब यहाँ पे ये इस तरफ से 24 इधर चलना है। अब थोड़ा सा ना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक की जो एंगल बन रहा है, हमें टोटल एंगल लेना है और टोटल एंगल में से 24 माइनस कर देना है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करूँ, कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर ओपन किया, यहाँ से हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा यूज़ करने वाला है, क्योंकि ड्यूरिंग द ड्राइंग मेकिंग यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का भी यूज़ थोड़ा सा करना पड़ सकता है, जो कि कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। तो यहाँ पे 90 माइनस 24 ले लेते हैं, 24, और इजी क्वालिटी कर लेते हैं, कितना आएगा 66। तो हमें 66 डिग्री पे हमें ये लाइन देनी है। तो किस तरह से क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो सेंटर पॉइंट के थ्रू यहाँ से मैंने आगे तक ले गया लाइन। मैं यहाँ पे कोई लेंथ नहीं डाला, मैं डायरेक्ट एंगल डाल रहा हूँ, मैंने रखा 66, बन गया, ठीक है। एज यू कैन सी इट्स क्रिएटेड। तो मैं यहाँ पे एक तरफ का क्रिएट कर लेता हूँ। अब आप देख रहे होगे कि जो हमने लाइन बनाई थी वो कहाँ आ रही है और ये कहाँ आ रहा है। अगर मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये लाइन है ये काफ़ी ऊपर आ रही है। अब यहाँ पे हमें इसकी डायमेंशन चेक करनी है, तो मैं ऐसे डायमेंशन देख लेता हूँ। क्लिक किया मैंने यहाँ पे और इस पॉइंट पे क्लिक किया, तो जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 10 है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से, एंटर किया मैंने यहाँ पे और मैंने लाइन सेलेक्ट करके ऑर्थो मोड ऑन किया और रखा 10, ठीक है, 10 पे गए। अब यहाँ पे कुछ और कमांड्स आती हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आता है सबसे पहले मूव का, तो मूव करवाने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर करो और यहाँ पे इसको ऊपर मूव करवा लो, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा, ठीक है। एंगल दोनों का भी इस प्रकार सेम ही रखना है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और कमांड का यूज़ करेंगे जिसका नाम है ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट काफ़ी यूज़ किया जाता है, ये यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम ऑफसेट डालते हैं सेम 10 का, क्लिक किया यहाँ पे, ये आपका ऑफसेट हो गया, ठीक है। हम एक तरफ का ही क्रिएट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ का ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, मैं यहाँ पे एक कमांड और यूज़ कर रहा हूँ ex डबल एंटर, तो यहाँ पे यहाँ तक या आगे तक एक्सटेंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऊपर ट्रिम कर देता हूँ, tr डबल एंटर, ठीक है, इस तरह से। अब इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करो और mi प्रेस करो, mi एंटर करो और यहाँ से रेफरेंस लाइन के थ्रू क्रिएट कर लो। मैंने क्या है नो, तो एज यू कैन सी क्रिएट। अब यहाँ पे जहाँ पे आपको एक हल्का सा गैप नज़र आ रहा है, तो उस गैप को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो लेंथ दी हुई है इन दोनों के बीच की वो रखी है 2.5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करता हूँ 2.5 की, तो इसी पे क्रिएट करेंगे 2.5, ठीक है, तो 2.5 है। अब इसको ऊपर ले लेते हैं, मतलब थोड़ा सा मैं इसको और एक्सटेंड कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ex डबल एंटर, ठीक है, यहाँ पे लाइन ले लेते हैं, एक सेकेंड, आई थिंक ये गलत मिरर हो गया है, इसको थोड़ा सा ठीक से मिरर करना पड़ेगा, mi एंटर, क्योंकि सिमेट्रिकल मिरर नहीं था, वो चीज़ मैंने नोटिस कर ली, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे लाइन लेते हैं, तो लाइन लिया मैंने, ये आई थिंक रेफरेंस लाइन थोड़ा टेढ़ा नहीं आ रहा, आई थिंक शायद ये टेढ़ा आ रहा है, आई थिंक यस इट इज एक्चुअली शायद वो मेरा ही फॉल्ट था, तो यही होता है जब आप ऑर्थो मोड ऑफ नहीं करते तो कुछ चीज़ें प्रॉब्लम कर जाती है, ठीक है। यहाँ से मैं लाइन ले लेता हूँ, यहाँ से हम डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ऑफसेट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, 2.5 रखा मैंने यहाँ पर ऑफसेट का, रखा ऊपर इस तरह से, ex डबल एंटर यूज़ किया और इधर तक एक्सटेंड कर दिया, तो एज यू कैन सी इट्स क्रिएटेड, ठीक है।
ऐसे ही टी आर डबल इंटर किया मैंने, और इसको एमिट किया, इसको भी किया और इसको भी किया, ठीक है। और यहाँ पे टी आर डबल इंटर किया, ऐसे सेविंग को भी किया और इनको ऑफसेट करवाने के लिए, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे कॉपी जनरेट करने के लिए सेम वही तरीका है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और यहाँ से इसको कर दो मेरा एम एम आई एंटर, ठीक है। इस तरह से हम क्रिएट कर लेते हैं, नो किया मैंने यहाँ से, अगर नो करोगे तो यहाँ पे मिरर हो जाएगा। तो मिरर की जो कमांड आती है वो आती है एम आई एंटर, ठीक है, टी आर डबल एंटर यूज़ करो, यानी कि ट्रिम कमांड। तो मैंने इसको भी ट्रिम किया, इसको भी यहाँ से ट्रिम कर दिया। तो एज यू कैन सी, तो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ये दो बनाना है, ये भी काफ़ी आसान है। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरफ लाइन जा रही है हमारी। अब जो ये लाइन है, सारी लाइन जो हैं वो 60-60 पे हैं, यानी कि कुछ लाइन्स वेरी कर जाती हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सेम जो ये एंगल आ रहा है 24, ऐसी सेम एंगल पे हमें कर लेना है कॉपी। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, सी ओ एंटर किया मैंने, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे करो ई एक्स डबल इंटर किया मैंने, इस तरह से हम इसको ऑफसेट बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऑफसेट कर लेते हैं, ओ एंटर किया, टेन का डिस्टेंस रखा मैंने, ओ एंटर करके यहाँ पे ऑफसेट हो जाता है, तो ओ एंटर किया ऑफसेट हो गया। ऐसे टी आर में यहाँ पे ई एक्स डबल एंटर, यानी कि ये एक्सटेंड करने के लिए दो बार डबल एंटर करूँगा, और टी आर डबल एंटर कीजिए, और इस तरह से आपकी लाइन ट्रिम हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप सेलेक्ट कर लो, एम आई एंटर करो, कुछ इस तरह से आपका क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ ऑफिस से, कुछ चीज़ें बच गई हैं इसमें, जैसे टी आर डबल एंटर किया, यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, यानी कि ट्रिम कर दिया। ट्रिम का मतलब ये होता है काटा छाटी करना एक तरीके से, ठीक है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। तो दीज आर सम कमांड्स जो आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप यूज़ कर पाओगे। इसके बाद जो अगला यहाँ पे ऑप्शन आता है वो आता है पॉलीगन का, ये भी हम कमांड देख लेते हैं। तो पॉलीगन का क्रिएट करने के लिए यहाँ से हम पॉलीगन क्रिएट कर लेते हैं। पॉलीगन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा साइड्स, तो आप साइड्स दे सकते हो, मैंने रखा 5, ठीक है। यहाँ पे आप सेंटर पॉलीगन बता सकते हो कि स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट, क्लिक किया मैंने यहाँ से। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, इंस्क्राइब सर्कल और सर्कमस्क्राइब। इंस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल के अंदर, सर्कमस्क्राइब होता है सर्कल के बाहर। तो यहाँ पे हम इंस्क्राइब द सर्कल, यानी कि इंस्क्राइब रखना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे मैंने दे दिया 60, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्रिएट हो, तो कुछ इस तरीके से आपका पॉलीगन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो पॉलीगन वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने कोई पॉलीगन सेलेक्ट कर लिया, इस तरह से साइड मैंने रखी 5, ठीक है। पॉलीगन के स्पेस जगह स्पेसिफाई की, इंस्क्राइब एंड देन यहाँ पे मैंने रेडियस दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेडियस दिया 60 का, ठीक है। तो इस तरह से अंदर बन गया। अगर आप सर्कमस्क्राइब बनाना चाह रहे हो तो सेम वही ऑप्शन है, मैंने साइड्स वही सेम रखी, एंटर किया, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, और यहाँ पे किया सर्कमस्क्राइब, यहाँ पे रखा मैंने सेम रेडियस 60, इस तरह से, ठीक है। एक अलग शेप का एक अलग शेप है, तो इस तरह से आपका क्रिएट हो गया। तो दिस वाज द पॉलीगन, ठीक है। हम पॉलीगन वाला ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इसके अंदर, इसके थ्रू जो भी आपको पॉलीगन, जैसे अगर आपको टैग्स वगैरह देने हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे कुछ टैग देना है इसके अंदर, जैसे कि कई बार क्या होता है आपने देखा भी होगा, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इस तरह से लेके जाता हूँ, जैसे मुझे विंडो का एक टैग दिखाना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे विंडो है, मुझे इसका टैग दिखाना है, तो इसके लिए कमांड आती है, एक टेक्स्ट कमांड आती है। तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका टी एक्स टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट एक मतलब दो कमांड्स है, एक होती है सिंगल लाइन और एक होता है मल्टी लाइन। सिंगल लाइन एक आपका सिंपल टेक्स्ट होता है, मल्टी लाइन में आप एडिट कर सकते हैं और ज़्यादा। तो मेरी सलाह मानिए तो आप मल्टी लाइन ही लीजिए, तो मैं ऐसे मल्टी लाइन ले लेता हूँ, क्रिएट करता हूँ, और यहाँ से मैंने रखा W, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका साइज चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड, मैंने कैपिटल रखा है और अब W रखा, सेलेक्ट कर लो यहाँ से,
सेलेक्ट किया एंड इस तरह से हम इसका साइज़ इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी 0.0 दिया हुआ है, मैंने रखा 10। तो कुछ इस तरह से बनी है। और अगर मेरे को इसको छोटा करना हो तो यहाँ पे मैं इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हो जो सर्कल टेक्स्ट है, अब इसके चारों तरफ ये थोड़ा छोटा आ रहा है, तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो। अब यहाँ पे छोटा करने का मतलब क्या है कि इसका स्केल छोटा करना। तो स्केल छोटा करने के लिए यहाँ पे एक कमांड आती है SC एंटर, यानी कि स्केल सेलेक्ट कर लो। यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे 20 पॉइंट दे देता हूँ। इस तरह से हम इसको स्केल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका इतना स्केल कर लिया। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, मूव किया इसको यहाँ से एम एंटर, और इस तरह से अप्लाई कर दिया। तो एज यू कैन सी एक टैक्स के रूप में आप इस तरह से कवर दे सकते हो। आपने काफ़ी बार ड्राइंग्स में देखा भी होगा, या फिर जो सिविल इंजीनियर है वो काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे किस तरह से आपका सिंबल दिया होता है विंडो का ज़्यादातर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप टेक्स्ट वगैरह टैग वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है एलिप्स की कमांड, वो भी बता देता हूँ। एलिप्स क्रिएट करने के लिए, तो आप एलिप्स अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे एलिप्स आप क्रिएट कर सकते हो सिंपली। तो यहाँ पे एलिप्स क्रिएट करने के लिए स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पे आपको एंड पॉइंट देना है, तो यहाँ से मैं एंड पॉइंट दे देता हूँ। जैसे मैंने एंड पॉइंट दिया कहीं पर भी। और यहाँ पे आप थिकनेस बता दीजिए आप कितना रखना चाह रहे हो। जैसे मैंने रखा 200 का आसपास, तो 200 के आसपास का एक एलिप्स बन गया। अब जो एलिप्स है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेजर एक्सिस और एक होता है माइनर एक्सिस। इसमें जो आपका लोकस है उससे दोनों की साइड की डिस्टेंस सेम नहीं रहती, मतलब सभी की सभी सेम नहीं होती रहती, बस एक साइड से आपको सेम मिल जाएगी, बाकी सभी साइड से आपको कोई भी चीज़ें सेम नहीं मिलने वाली। ठीक है, दिस इज़ द एलिप्स। ठीक है, कुछ और तैयार करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सर्कल के अब से दिया हुआ है, ये सर्कल के अब से काफ़ी यूज़ किया गया है, तो आप ये बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ चीज़ें, अब यहाँ पे आता है हैच का ऑप्शन। हैच क्या होता है कि जब भी मान लो अगर हम कोई पार्ट कट करके दिखा रहे हैं, आपने देखा होगा काफ़ी बार ड्राइंग्स में कि कई बार पार्ट कटा हुआ होता है, तो उस पार्ट को कट को शो करने के लिए हम यहाँ पे हैचिंग का यूज़ करते हैं। तो हैचिंग के लिए यहाँ पे कमांड आती है हैचिंग, क्लिक करो यहाँ से। तो मैं इसे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको हैच शो हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे जैसे मुझे विंडो में हैचिंग शो करनी है, तो यहाँ पे मैं हैचिंग कर देता हूँ दोनों में ही। ठीक है, अलग तरीके से हैच करते हैं। तो जैसे मैंने दो वाला हैच किया और इसका स्केल बढ़ा दिया। Wait a second, it will take a quite lot. ठीक है, यहाँ से मैं कर देता हूँ क्लोज। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमें एक तरीके से हैचिंग मिल गई। तो मतलब कुछ इस तरीके से इम्प्रेसिव ड्राइंग्स आप बना सकते हो AutoCAD के अंदर बहुत ही डिटेल में जाके। ठीक है, जैसे इस टाइप का ऑब्जेक्ट है वो आप क्रिएट करना चाह रहे हो। बाकी इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में अगर मेरे को यहाँ पे डायमेंशन दी हुई हैं मुझे इनको चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ डी एंटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, मैंने किया मॉडिफाई पे क्लिक। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको करते हैं डायमेंशन को चेंज। ठीक है, यहाँ से मेरे को इसको डायमेंशन को चेंज करना है, टेक्स्ट वगैरह साइज़ बढ़ाना है, जो एरो का साइज़ है वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मुझे आर्किटेक्चरल टाइप ऑब्लिक टाइप मुझे कुछ देना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको चेंज करके अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो जैसे आप आओगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस आएगा। जैसे मुझे और भी कुछ चीज़ें चेंज करनी है, मैं मॉडिफाई पे आता हूँ। जैसे मेरे को इसमें जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। जैसे मुझे रखना है रेड, मतलब टेक्स्ट का कलर, और जो एरोज़ वगैरह हैं या फिर जो लाइन्स हैं मैं उनका कलर अलग रख रहा हूँ। जैसे मैंने एक का रखा मेजेंटा और जो एक्सटेंशन लाइन है उसका रखा मैंने सैन, या फिर कोई दूसरा कलर लेते हैं काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो मैंने रखा पिंक। ठीक है, पिंक तो नहीं, सेम ही हो गया, मेजेंटा ही हो गया, तो कोई दूसरा लेते हैं। यहाँ से मैंने ये कलर लिया या फिर ये कलर लेते हैं। ओके किया मैंने, यहाँ से ओके किया, सेट करंट क्लोज।
तो अब आप देखो कि आपको यहाँ पे टेक्स का जो स्टाइल है या फिर जो डायमेंशन की जो स्टाइल है वो भी काफ़ी चेंज आपको नज़र आ रही है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी ड्राइंग्स जो है वो इफ़ेक्टिव तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मुझे ये बनाना है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल वी। तो इमेज ये ड्राइंग आप बनाना है काफ़ी ईजी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हर एक का अपना अपना एक रेडियस दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग एक सेंटर रेडियस ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटर क्रिएट किया, कहीं पर भी हम एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। सी एंटर किया, सेम सी एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ लेयर को। तो सी एंटर किया, सी एंटर करने के बाद यहाँ पे सर्कल क्रिएट किया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और भी मेरी कमांड्स रहती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे पहले जो इनर मुझे डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 27 का। तो मैं इनर डायमीटर बना रहा हूँ पहले, तो मैंने दिया 27, ठीक है, दे दिया इस तरह से। अब इसके बाद जो अगला आता है वो आता है 54, यानी कि आउटर का। अब आउटर में मैं यहाँ से देना चाह रहा हूँ, तो आउटर मैंने दिया यहाँ पे, क्लिक किया, सेम रेडियस है दोनों का, आउटर मैंने रखा 54, ठीक है, बन गया इस तरह से। अब यहाँ पे अब आप देख सकते हो यहाँ पे चार सर्कल्स दिए हुए हैं। अब मुझे अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस देखना चाहूँ तो जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो मुझे गिवन नहीं है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि कितना है सेंटर से, ये है 45.94 कुछ आ रहा है ये। तो L एंटर किया, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हमें दिया 45.09, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं, सर्कल सी एंटर किया मैंने यहाँ पे और सर्कल दे दिया, सेंटर पॉइंट से लिया मैंने, रेडियस दिया यहाँ पे मैंने 7, ठीक है, इस तरह से क्रिएट किया। ऐसे ही सेम है, यहाँ पे हम एक और सर्कल क्रिएट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैं सर्कल का जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ 14, तो 14 ही लेंगे यहाँ पे, क्रिएट हो गया, ठीक है, इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो एक्स्ट्रा सर्कल है वो कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप नॉर्मली अगर इसके अंदर सर्कल बनाने जाओगे इस तरह से, तब तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि कंपनीज नहीं चाहती कि उनका कोई भी प्रोजेक्ट है वो डिले हो। तो इसके लिए एक कमांड आती है, काफ़ी अच्छी कमांड है, वो आती है एरे। अब एरे भी तीन टाइप्स के आते हैं, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। तो पोलर मैं आपको बता देता हूँ, रेक्टेंगुलर और पाथ एरे मैं बाद में बताऊँगा। तो पोलर एरे देख लेते हैं। तो पोलर एरे के लिए क्लिक करो यहाँ से, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद एंटर करता हूँ और बेस पॉइंट दे दिया मैंने। तो आपको देख सकते हो इस तरह से आपका क्रिएट हो गया। मुझे सिर्फ चार सर्कल्स चाहिए, तो चार लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने रखा नॉन एसोसिएटिव। नॉन एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि जब हम एसोसिएटिव रखते हैं, एसोसिएटिव अगर आप रखोगे तो सारे सर्कल्स एक साथ सेलेक्ट होंगे। अगर आपने नॉन एसोसिएटिव रखा तो जब भी हम देखोगे तो आपको सारे सर्कल सेपरेट सेपरेट क्रिएट होंगे। तो ये काफ़ी ईजी है। अब यहाँ पर अगर मैं ये क्रिएट करना है तो यहाँ पर रेडियस कितना गिवन है इसका 32, तो यहाँ पर सर्कल ले लेते हैं सेम। हम यहाँ पे लिया टेंजेंट, टेंजेंट ये बता देता हूँ। टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का मतलब क्या होता है कि एक पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट और रेडियस क्रिएट हो गया। टेंजेंट के बारे में अगर आपको पता है कि टेंजेंट क्या होता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो टेंजेंट का मतलब होता है जैसे कि जो सर्कल जा रहा है यहाँ पर एक लाइन गुजरती है, वो इसके साथ क्या सेंटर के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर एक टेंजेंट, दो टेंजेंट ले लेते हैं और यहाँ पर रेडियस अप्लाई कर देते हैं 32 का, 32। तो अब आप देखोगे टेंजेंट टेंजेंट रेडियस ले लेते हैं, सॉरी, पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट 32, एक सेकेंड, आई थिंक सेकेंड टेंजेंट स्पेसिफाई नहीं हुआ। तो हमने लिया पहला टेंजेंट, क्लिक किया, सेकेंड टेंजेंट क्लिक किया, 32, हाँ अब क्रिएट हुआ, सॉरी वो ठीक से क्रिएट नहीं हो रहा था, TR
अब इसके बाद एक और अच्छी सी कमांड आती है, वो भी बता देता हूँ। कमांड आती है TR double enter। TR यूज फॉर ट्रिम, जैसे मैंने अभी बताया भी था, इस तरह से आप ट्रिम कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करो, सेम इसको भी एरे करवा दो, AR enter। यहाँ पे हम इसको एंटर कर एरे करवा देते हैं, ठीक है। एंटर किया, मैंने रखा पोलर, बेस पॉइंट दिया, तो इस तरह से आ गया। यहाँ पे हमें सिर्फ चार ही रखने हैं, उन्हें चार रखा, ठीक है, और इसको कर दिया क्लोज। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है वो मुझे हटाना है। TR double enter किया मैंने यहाँ पे, ट्रिम 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 एंड ट्रिम, तो कुछ इस तरह के से आपका सर्कल क्रिएट हो गया। सेम हम यहाँ पे रेफरेंस लाइन और रेफरेंस पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जो ये सर्कल आ रहा है मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ पे हम रेफरेंस लाइन भी क्रिएट कर लेते हैं, एल एंटर किया हमने यहाँ पे, एल एंटर, लाइन कमांड ली, क्लिक किया यहाँ पे और आगे तक एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, और इसको भी आगे तक एक्सटेंड कर लिया। ऐसे ही सेम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, एंड देन एल एंटर किया हमने यहाँ से, और यहाँ से इस तरह से, ठीक है, इससे ऐसा आपका क्रिएट हो जाएगा। तो एज यू कैन सी इट्स क्रिएटेड लाइक दिस। तो ये आपका क्या था, एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप इसमें हैचिंग देना चाह रहे हो तो हमें अपनी तरफ से एक हैचिंग भी दे देते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे हैच करना है तो क्लिक किया मैंने यहाँ पे और वैल्यू मैंने कम कर दी इस तरह से, ठीक है। मैं हैच चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मेरे को हैच ही चेंज करना है, तो कुछ इस तरीके से आप हैच भी चेंज कर सकते हो। तो आई थिंक शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से ड्राइंग्स बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बाकी अगर आपको स्केल करना है तो हम स्केल भी कर सकते हैं, स्ट्रेच करना चाहें, ठीक है, एक्सप्लोर करना चाहें। एक्सप्लोर के बारे में बता देता हूँ, एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है। अब जो सिंगल प्रोफाइल है हम इसको मल्टीपल प्रोफाइल में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब सिंगल सिंगल प्रोफाइल में, जैसे लाइन में होता है। तो सेलेक्ट कर लीजिए आप, एंटर कीजिए, तो अब देखिए सारे पार्ट्स अलग अलग सेलेक्ट। सो अभी तक हम लोगों ने हैचिंग के बारे में और एक्सप्लोर कमांड के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अबाउट ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद जो अगली कमांड के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है ब्लॉक के बारे में। अगर मैं बताऊं तो ब्लॉक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी ड्राइंग्स के अंदर। अगर मैं बताऊं तो जैसे अगर मैं कोई प्लान वगैरह ओपन भी करता हूं, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो मैं आपको एक प्लान ओपन करके दिखाता हूं। सो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने एक प्लान ओपन किया है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि डोर्स, विंडोज़, कॉलम, बीम्स वगैरह। कॉलम्स ही दिए हैं, बीम्स तो खैर नहीं अवेलेबल हैं इसके अंदर। बीम्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दीज आर द ब्लॉक्स, जैसे कि ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये एक ब्लॉक है, यानी कि डोर का ब्लॉक है। अब ब्लॉक का मतलब होता क्या है, अगर मैं बताऊं तो ड्राइंग के अंदर जो चीज़ बार बार रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मान लो आई पे एज अ सिविल इंजीनियर अगर आप देखो तो जब भी आप एक कोई प्लान बनाते हो तो जैसे फर्नीचर लेआउट हो गया या फिर कॉलम लेआउट हो गया या फिर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल प्लान हो गया आपका, प्लम्बिंग प्लान हो गया, MEP का वर्क हो गया, तो उसमें कोई भी चीज़ अगर रिपीट पे आ रही है और आप उसको बार बार बना रहे हो तो उस चीज़ को आप ऑब्वियसली बात है बार बार बना रहे हो तो टाइम तो लगता ही है। तो उस चीज़ को हम लोग ओवरकम करने के लिए यहाँ पे ब्लॉक का कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक कमांड का यूज़ करने के लिए मैं यहाँ से कमांड डालता हूँ BE enter, ठीक है। बी एंटर किया मैंने यहाँ पे, मैं किसी एक भी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने जैसे कि हमने ये ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, इसी में से मैं किसी ब्लॉक का एक इंसर्शन पॉइंट ले लेता हूँ कि ये हमारा ब्लॉक का बेस पॉइंट है। फिर ये कहता है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम लोग एक नाम भी दे देते हैं ब्लॉक का। मैंने रखा 1 2 3, एक सेकेंड, मैं 1 2 3 मैंने कोई भी नाम दे दिया और यहाँ से मैंने किया कन्वर्ट। यहाँ पे कन्वर्ट टू ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर चक लगा के रखें, एंड देन ओके। अब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाऊं तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि एक तरीके से एक ग्रुप ऑफ ग्रुप कह सकते हो आप एक तरीके से इसे। तो यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट हमारा ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। अब मैं जैसे इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, INT किया मैंने यहाँ से, ब्लॉक को दोबारा से इंसर्ट करवाने के लिए यहाँ पे INT की कमांड आती है, ठीक है।
अब जैसे ब्लॉक का ओपन हो रहा है तो आप देख सकते हो, तो कुछ इस तरीके से ब्लॉक आ रहे हैं यहाँ पे। सो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। मैं बता दूं कि ये 2021 वर्जन में ऐसा कुछ आता है। अगर आप 2020 वर्जन से पहले अगर आप यूज़ कर रहे हो या 17 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो इंसर्ट का तरीका काफ़ी अलग आता है। तो मैं यहाँ से एक क्लिक करता हूँ और सिंपली ब्लॉक को इंसर्ट करवा देता हूँ। तो एज यू कैन सी एक ब्लॉक हमारा इंसर्ट हो गया। ऐसे ही मैं अगर आपको ये ब्लॉक में इसमें दिखाऊं तो यहाँ पे ब्लॉक इंसर्ट करने का तरीका क्या है। मैं आई एंटर करता हूँ और कोई भी ब्लॉक, मैं यहाँ से एक डोर या टेबल लेके आ रहा हूँ। मैंने क्लिक किया, रीडिफाइंड ब्लॉक पूछ रहा है, मैंने यहाँ से किया रीडिफाइंड ब्लॉक और यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो एज यू कैन सी हमारा ब्लॉक आ गया, ठीक है। तो मतलब ब्लॉक की हेल्प से ना सिर्फ आप अपनी ड्राइंग को काफ़ी इजी बना सकते हो, मतलब आपका जो वर्क फ्लो है वो काफ़ी इसमें स्पीड भर जाएगा, ठीक है। तो अब जो हम लोग अगली कमांड, जैसे कि हमने इंसर्ट की बात की, अब जैसे कि ये जो ब्लॉक है, हमने जो ये ब्लॉक बनाया है, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला ब्लॉक इसमें आए। अब इंसर्ट कमांड करता हूँ तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो ब्लॉक है नहीं। अब वो ब्लॉक लेके कैसे हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या है। अब कमांड आती है राइट ब्लॉक की। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमारा ब्लॉक था, जो हमने अभी भी जो ब्लॉक की बात की थी, वो एक टेम्परेरी ब्लॉक होता है। वो एक ही ड्राइंग के अंदर कई बार आप उसे इंसर्ट करवा सकते हो, लेकिन जब आप दूसरी ड्राइंग में इंसर्ट करवाना चाह रहे हो तो यहाँ वो इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, देखिए, तो यहाँ से मैं इस ब्लॉक को कन्वर्ट कर देता हूँ राइट ब्लॉक में। तो राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए कमांड आती है W एंटर। तो W एंटर किया मैंने यहाँ से। अब इस ब्लॉक, अब ब्लॉक टेम्परेरी ब्लॉक करने का फ़ायदा भी एक है कि जो हमने ब्लॉक बनाया था हम उसे डायरेक्ट राइट ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 करके जो हमने ब्लॉक बनाया था वो आ रहा है ऑप्शन। अब हमें ना स्टार्ट बेस पॉइंट देने की या ऑब्जेक्ट देने की भी जरूरत नहीं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ब्लॉक राइट ब्लॉक में भी सेम तरीका होता है ब्लॉक बनाने का, बस फर्क इतना जाता है कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पे वो राइट ब्लॉक के रूप में सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करवाता हूँ, आई एंटर। अब जो भी हमने ब्लॉक इंसर्ट करवाया था तो एज यू कैन सी उसके रूप में इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी हम ब्लॉक के रूप में इसको इंसर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। मतलब यहाँ पे लाइन टाइप भी अलग से आ रही है, लाइन भी अलग से आ रही है, तो कुछ इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो तो जैसे मुझे इसको स्केल में लेके आना है तो मैं यहाँ पे आई एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे स्केल का ऑप्शन है, आप इसे स्केल कर सकते हो। मैं जैसे क्लिक करता हूँ और आप इसको स्केल कर सकते हो जितना चाहो। ये इस तरह से ही आएगा, तो इस तरह से इंसर्ट हो गया। तो एज यू कैन सी कुछ इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आप रोटेशन भी दे सकते हो, मतलब इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका ब्लॉक की कमांड, ठीक है। अब इसके अंदर जो अगले ऑप्शंस आते हैं, अगला अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो हमारी कमांड आती है वो आती है कंस्ट्रेंट्स। देखिए कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो कुछ चीज़ें वहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो जैसे कोई भी हम ड्राइंग बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैं एक लेयर चेंज करता हूँ और मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल रखा, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है 50x40। तो एज यू कैन सी हमारा 50x40 का रेक्टेंगल आ गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी शेप में रहे, तो यहाँ पे हमारे पास एक कमांड आती है, या फिर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आते हैं पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट्स की। तो पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं, वही पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डायमेंशनल कंस्ट्रेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इस पॉइंट को क्लिक किया और इस पॉइंट को क्लिक किया तो एक कंस्ट्रेंट लगा दिया। अब इस कंस्ट्रेंट लगाने का फ़ायदा क्या है, अब जैसे ही मैं अगर यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाता हूँ तो मैं इसकी डायमेंशन भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, मैंने रखा 60। तो एज यू कैन सी डायमेंशन की वजह से यहाँ पे लेंथ, लाइन की लेंथ भी बढ़ गई है और जो डायमेंशन मैंने दिया है उसका भी असर हमें पड़ते हुए नज़र आ रहा है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ भी सेम डायमेंशन कंस्ट्रेंट लगाया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें भी कुछ चेंज करता हूँ, जैसे मैंने रखा इसको 80, तो एज यू कैन सी डायमेंशन कंस्ट्रेंट की वजह से यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, मतलब इस तरह से आपका आ रहा है। मतलब यहाँ पे एक तरीके से लॉक लग गया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं वो इसे 40 कर देता हूँ, ठीक है।
अब ऐसे ही तो डायमेंशन कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। कंस्ट्रेंट्स लगाने का मतलब ये है कि एक हमने एक मार्जिन सेट कर दिया या फिर एक ये कह सकते हो एक एरिया सेट कर दिया कुछ चीज़ों के लिए। अगर हम बात करें तो कंस्ट्रेंट्स का यूज़ एडवांस सॉफ्टवेयर में भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप एडवांस सॉफ्टवेयर सीखते हैं, जैसे अगर हम बात करें सिविल में तो रेविट की, मैक्स की, अगर हम बात करें मैकेनिकल में क्रियो की या सॉलिड वर्क्स की, तो वहाँ पे कंस्ट्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे नॉर्मली कंस्ट्रेंट दिया जाता है, इससे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक सीमा में रहता है, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाता, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करता। तो कंस्ट्रेंट लगाने से क्या आता है कि यहाँ पे आपके पास प्रॉपर एक तरीके से आप ये कह सकते हो एक पैरामीटर बन जाता है। तो पैरामीटर बन जाता है तो उसके अंदर जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो चीज़ परफेक्टली बनती है। तो ये आपका कंस्ट्रेंट था। तो अब इसके अंदर काफ़ी सारे आपको कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, जैसे कि रेडियस का कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, आप वो लगा सकते हो। आप चाह रहे हो कि रेडियस के अकॉर्डिंग ही चेंज हो तो अभी आप लगा सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर हम डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई दो लाइन्स बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कोई दो लाइन बना लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से दूसरी लाइन ली और इस तरह से। अब मुझे इन दो लाइन को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट के अंदर, वो है कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होते हैं। तो जैसे मैं जोड़ता हूँ तो एज यू कैन सी ये जुड़ चुका है। अब मैं इसको कहीं पर भी मूव करवा लूँ, ठीक है, या फिर इसको रोटेट करवा लूँ, ये इसके साथ ही जुड़ा रहेगा, ये मूव नहीं करेगा इसके साथ। मतलब हम इसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ हम इसको मूव करवा सकते हैं। तो एक चीज़ हमने यहाँ पर फिक्स कर दी, बाकी चीज़ एडिटेबल है। तो यही डायमेंशनल कंस्ट्रेंट का या फिर पैरामीटर मतलब ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट का यही एक फायदा है कि एक चीज़ हमने फिक्स कर दी, बाकी चीज़ें पे हम काम कर सकते हैं। ऐसे ही कोसेंट्रिक का रहता है, ऐसे एक फिक्स का रहता है, ठीक है। जैसे हमने एक सर्कल लिया तो यहाँ पे हम एक दो सर्कल्स बना लेते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये वाला सर्कल है या फिर जो ये वाला सर्कल, इन दोनों का सेंटर सेम हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कोसेंट्रिक का, तो यहाँ पे मैंने पहला सेलेक्ट किया, दूसरा सेलेक्ट किया एंड देन अप्लाई। तो कुछ इस तरीके से आपका ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट लग गया है। अब ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट लगाने का यही फ़ायदा है कि आप इसमें कुछ भी चीज़ चेंज कर सकते हो, इसको मूव वगैरह करवा सकते हो जहाँ पे भी आप चाह रहे हो, ठीक है। जैसे मैं अगर मैं एक को भी सिलेक्ट करूँ तो जी एक को भी सिलेक्ट किया तो ये भी उसके साथ मूव हो रहा है। तो एज यू कैन सी मतलब मैं एक को सिलेक्ट करूँ तो उसके साथ ये भी मूव हो रहा है। तो एक फ़ायदा है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट लगाने का, ना सिर्फ यहाँ पे तीन पे बल्कि चार पे पांच पे आप एक साथ काफ़ी सारे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हो। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट का यही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे अगर ये डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, अब जैसे कि अगर हम बात करें तो इन कंस्ट्रेंट्स को हाइड कैसे करें, देखो, तो कंस्ट्रेंट को हाइड करने के लिए अभी जो हमने लगाई है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट है, तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट के लिए यहाँ से हम जाएंगे शो और हाइड पे, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, एंटर किया, यहाँ से मैंने किया हाइड। तो एज यू कैन सी जो हमने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट लगाया था वो हाइड हो गया है। ऐसे ही हम डायमेंशन कंस्ट्रेंट में भी कर सकते हैं, यू हैव टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट या फिर आप क्या करो, शो एंड हाइड का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक किया, एंटर किया, यहाँ से मैंने किया हाइड। तो एज यू कैन सी ये भी हाइड हो गया। तो ये एक फ़ायदा है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट लगाने का कि हम इनको हाइड भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो जैसे मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ या फिर इनको शो ऑल कर देते हैं, शो ऑल किया, इसको भी शो ऑल किया, तो दोनों शो हो गए। अगर आपको डिलीट करना है तो जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट द डायमेंशन, यू हैव टू सेलेक्ट द कंस्ट्रेंट एंड एंटर। तो एज यू कैन सी वो कंस्ट्रेंट डिलीट हो चुके हैं। तो ये एक फ़ायदा है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट लगा लेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कमांड्स थी ज्योमेट्रिक और डायमेंशन कंस्ट्रेंट की। सो अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, जो कि इस ड्राइंग में आती है। अब ये ड्राइंग हम सब ने बना दी, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये जो ड्राइंग है, ये देखिए ये वाली जो ड्राइंग है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी ओ एंटर, और यहाँ पे मैंने कहीं लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो एज यू कैन सी मैंने एक ड्राइंग बना के यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस ड्राइंग को मुझे प्रिंट करवाना है, प्लॉट करवाना है। अब ऑब्वियस ही बात है, जब अगर आप कहीं इंजीनियर के पास जाओगे तो उसको सीधी सी बात है DWG फाइल नहीं दोगे। ये चीज़ में मैं बता देता हूँ, तो जो ड्राइंग की जो फाइल होती है वो .dwg में सेव होती है, और जो आपकी टेम्पलेट फाइल होती है वो .dwt में सेव होती है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ये करेंगे। तो अब क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। अब प्लॉट करने के लिए यहाँ पे हमारी ये कमांड आती है
प्लॉट, तो प्लॉट मतलब हमें प्रिंट निकलवाना है तो पहले हमें इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने पड़ेगा। तो सबसे पहले प्लॉट कमांड देखते हैं, इसके बाद हम लोग पेज सेटअप की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लॉट कमांड यूज़ किया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिंगल कंटिन्यू टू सिंगल प्लॉट शीट, ठीक है, इस तरह से किया मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, यहाँ से मैं इसको DWG टू PDF कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से हम मैं ये चाह रहा हूँ कि ये A2 पे प्रिंट हो, ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर नज़र आए, ठीक है। यहाँ से मैं सेंटर टू प्लॉट करता हूँ। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो भी रखना चाह रहे हो वो रख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे लिया विंडो, अब ये मैंने यहाँ से विंडो लिया, ठीक है, इस तरह से क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से मैं प्रीव्यू देख सकता हूँ इसका कि ये प्लॉट में कैसा दिखेगा। तो एज यू कैन सी ये प्लॉट में कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये कमांड, स्पेशली प्लॉटिंग के लिए या फिर DWG टू PDF में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और वाइडली यूज़ किया जाता है ये। अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हो, आप अपने क्लाइंट को देना चाह रहे हो, तो आपको ये कमांड यूज़ करनी पड़ेगी और उसी के थ्रू उसको DWG फाइल में फॉर्मेट में चेंज करके PDF आप उसको दे सकते हो। तो यहाँ से मैंने ये चीज़ें सेटअप कर दी हैं, मैं यहाँ से अप्लाई टू लेआउट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो इसकी PDF फाइल है, मैं यहाँ पे इसके डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। मैंने किया सेव, अब जैसे ही मैंने सेव किया तो ये अभी सेव हो चुका है और अभी थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगा। इट विल टेक अ क्वाइट वाइल, अभी हो रहा है एंड यप, तो ये हो चुका है। अब आपको मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना लाइट क्यों दिख रहा है। सबसे पहली बात तो जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो ये एक बहुत ही मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि जब भी आप ड्राइंग बनाएं तो ये हमेशा डार्क कलर लें, लाइट कलर ना लें। तो यह ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि कलर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट ठीक से शो नहीं हो रहा है। तो यही रीज़न है कि हम कभी भी लाइट कलर नहीं लेते, हमेशा डार्क कलर में काम करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो ये वाली जो ड्राइंग है इसको मैंने डार्क कलर में रखा हुआ है। वेट अ सेकेंड, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट किया मैंने। तो जो ये जो है, ये जो है ये आपका डार्क कलर में है। हाँ, मैं आपको इसकी PDF फाइल भी दिखा देता हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने जो डार्क कलर यूज़ किया था वो यहाँ पे इजीली शो हो रहा है। तो यहाँ पे ये ड्राइंग बनाने का फ़ायदा क्या हुआ कि मतलब विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी मैंने डार्क कलर लिया वो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। तो प्लॉटिंग करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इस तरह से बनाओ। अब अगर मैं बात करूँ तो ये विद द हेल्प ऑफ लेयर्स मैंने बनाई है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ऑटोकैड के अंदर जब आप लेयर के थ्रू काम करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप चाह रहे हो कि मैं ऑटोकैड में एक अच्छी खासी ड्राइंग बनाऊँ, एक बेहतर रिजल्ट दूँ अपने क्लाइंट को, तो यू हैव टू मेक योर ड्राइंग इन लेयर्स, इट इज़ कंपल्सरी, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हो कि मैं ऑटोकैड में विदाउट लेयर में बनाऊंगा तो आपको कोई रिजल्ट निकल के नहीं आने वाला, कुछ इस तरीके का तो बिल्कुल भी नहीं निकल के आने वाला। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम ऑटोकैड के अंदर इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे तो जैसे मैंने इसको डायरेक्ट प्लॉट कर दिया, अब आप चाह रहे हो कि मेरे को बार जैसे हम दोबारा से प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप दोबारा से प्लॉट कमांड तो नहीं लगाओगे। तो जो प्लॉट कमांड है, सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम यही है इस कमांड की कि ये बार बार में इसको यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने काफ़ी सारी ड्राइंग्स बना रखी हैं, हज़ारों ड्राइंग्स बना रखी हैं, अब वहाँ पे हर बार तो प्लॉट कमांड तो यूज़ नहीं करोगे, अब क्या करें इसके लिए। तो यहाँ पे एक और कमांड आती है ऑटोकैड के अंदर, मतलब कमांड तो नहीं, एक बहुत ही यूनिक फीचर कह सकते हो आप ऑटोकैड का, वो है लेआउट्स। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आओ तो ये एक लेआउट बार है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है लेआउट्स। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये पूरा एक आपको एक एरिया दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप इसको यहाँ से प्रिंट करवा सकते हो डायरेक्ट। आपको करना क्या है कि आप इसको सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे जेड एंटर, मैंने यहाँ से जूम इन किया तो एज यू कैन सी हमारा ये ड्राइंग्स डायरेक्टली सेट हो गया। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं इसका साइज़ दिखाऊँ तो साइज़, लेट मी शो यू इसका जो साइज़ है, जैसे अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्लॉट कमांड लगाता हूँ, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग प्लॉट कमांड यूज़ करते हैं। जैसे मैंने प्लॉट यूज़ किया, प्लॉट टू सिंगल शीट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिया DWG टू PDF, ठीक
ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो प्लॉट कमांड है, तो यहाँ पे ये जो है ये लेटर साइज में दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी ऑफ मिलेंगे। ठीक है, ये इसलिए मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जब लेआउट का ऑप्शन आ जाता है तो आपको विंडो या फिर ये वाले ऑप्शंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिस्प्ले एक्सटेंड वाली ये ऑप्शंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक नया लेआउट लेता हूँ या फिर एक न्यू लेआउट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं जाता हूँ इसको पेज सेटअप मैनेजर में, यहाँ पर ऑप्शन आता है, या फिर आप एक नई नई टेम्पलेट ले सकते हैं या फिर एक न्यू लेआउट ले सकते हैं। लेट मी शो यू। तो जैसे कि यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे आता है पेज सेटअप मैनेजर, मैं इसका सेटअप क्रिएट कर लेता हूँ, यानी कि इसको मॉडिफाई करते हैं। आप चाहो तो एक नई नई लेआउट भी क्रिएट कर सकते हो या फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। अब देखो इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे पब्लिश टू वेब किया हुआ है इसने, तो आपको करना क्या है, यहाँ से DWG टू PDF और यहाँ से पेपर साइज आप रख सकते हो। जैसे मुझे रखना है A3, तो यहाँ पे मैं ISO A3 वाला ले लेता हूँ। अब यहाँ पे ऑलरेडी सेट हो चुका है ये, आपको सेंटर टू प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब यहाँ से करो क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है ये सारा A3 का आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका जो साइज़ है वो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ ताकि वो ज़्यादा बेटर रहे। तो कुछ इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे अभी ये ड्राइंग को सेट करना है तो बहुत इजी तरीका है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, जूम इन करो, जो ड्राइंग आपको प्लॉट करनी है सिंपली क्लिक करो और इस तरह से क्रिएट कर दो। यहाँ पे इस तरह से डबल क्लिक करो बाहर की तरफ और ये आपका प्लॉट हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप प्लॉटिंग करोगे तो ये जो आपका डॉटेड लाइन आ रहा है इसके अंदर ही आपको प्लॉटिंग करनी है। जो ये लाइन है ये आपका आता है व्यू का ऑप्शन, अगर मैं आपको लेआउट के बाहर दिखाऊं तो जो ऑप्शन ऊपर ऑप्शन आ रहा है ये आपका लेआउट बार है। ठीक है, तो ये जो व्यू है ये व्यू इसके बाहर नहीं जाना चाहिए वरना आपकी प्लॉटिंग नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे प्लॉट कमांड लगाता हूँ डायरेक्ट, मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एज इट इज़ रहेगा। अप्लाई टू लेआउट, अगर आप प्रीव्यू देखना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट भी इसका प्रीव्यू देख सकते हो। ठीक है, तो प्लॉट कमांड की एक बहुत सॉरी लेआउट सेटअप की बात यही है कि यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हो। मैंने यहाँ से डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे मैंने सेव किया इसको। अब जैसे ही मैंने सेव किया और फिर प्लॉट किया तो एज यू कैन सी जो हमने लेआउट सेट किया था ये इसके अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, तो ये था जो अभी जो हमने पूरी बात की, ये था आपका प्लॉट कमांड। ठीक है, इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जो लेआउट के बारे में हमने बात की अच्छे से, जो हमने ड्राइंग्स बनाए हैं, ठीक है, हम इस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक और कमांड की जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो है ई ट्रांसमिट। ई ट्रांसमिट क्या होता है कि आप काफ़ी सारी ड्राइंग्स को एक साथ आप एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कई बार क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं बाहर हो या फिर जैसे आपने काफ़ी सारी ड्राइंग्स बना ली, एक प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे काफ़ी सारी आपको ड्राइंग्स दी हुई हैं, या फिर आप किसी मैकेनिकल अगर आप इंजीनियर हो तो वहाँ पे बहुत तरीके की ड्राइंग्स आती हैं, एक ही कंपोनेंट के हज़ारों तरीके की मतलब 10-15 तरीके की ड्राइंग्स होती हैं। तो उसके अंदर इतनी सारी ड्राइंग्स होने के बावजूद आप क्या आप सोचते हो कि एक एक करके अगर मैं भेजूँ किसी को मेल करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक जिप फाइल बना लेते हैं इसकी। तो जिप फाइल बनाने का बहुत ईजी तरीका क्या है कि आप यह कर सकते हो, इन सबके फाइल एक साथ मर्ज कर सकते हो विद AWG फाइल एज वेल, और इसके अलावा जो इसकी PDF फाइल है वो भी आपको दे सकते हो, जो इसके DWG फाइल है वो तो है ही, इसके अलावा इसके साथ इसकी इमेजेस वगैरह, HTML फाइल हो गई इसकी, कोई मतलब कोई जैसे वेब पेजेस होते हैं इसके, तो वो भी आप लगा सकते हो। तो इसके लिए ये जो कमांड आती है काफ़ी हेल्पफुल है। तो यहाँ पे मैं कमांड लगाता हूँ ई ट्रांसमिट। तो ई ट्रांसमिट के लिए कमांड यही आती है ET Enter। तो मैंने यहाँ से इस ट्रांसमिट लगाया। मैं पहले तो ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपको सेव करना है या नहीं, तो मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके का आपका ऑप्शन खुलेगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो ऐड फाइल करना है, जो भी मैं चाह रहा हूँ, जो भी मैंने ड्राइंग्स बनाई हैं
मैं उन सभी ड्राइंग्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि जो भी मैंने प्लॉट किया है, जो DWG फाइल आई है, लेट मी टेक इट, वेट अ सेकेंड, पहले मुझे देखने दीजिए। हाँ, तो ये कुछ फाइल हैं, मैं इन दोनों फाइल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ, और एक इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन करता हूँ। तो एज़ यू कैन सी, ये इसके साथ सिलेक्ट हो गया। अब इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है, आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ प्लॉट करना है, मतलब कहाँ पे एक जिप फाइल बनानी है। तो इसको सेव किया मैंने, और जैसे ही ये थोड़ा सा प्रोग्रेस लेगा और आपका जिप फाइल कन्वर्ट कर देगा। अब मैं आपको यहाँ पे आके मैं दिखा देता हूँ डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे एक जिप फाइल बनी हुई है, जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी सारी फाइल्स आ जाएंगी। तो एज़ यू कैन सी, जो हमने ड्राइंग्स बनाई थी या फिर एक प्लॉटिंग की थी, वो इस तरह से इस फोल्डर में आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये पूरी क्लास थी आज की, ये हमारी ऑटोकैड के ऊपर एक पूरी ओवरव्यू या फिर एक नॉर्मल सी एक डिटेल्ड व्यू भी आप कह सकते हो। एक हमने कोशिश की है इसके अंदर जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके हम कवर कर पाएँ। ठीक है, तो जितना भी हमने डिटेल में कवर करने की कोशिश की है, आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और भी यूनिक वीडियोस देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं ऑटोकैड को और भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करना, क्योंकि हमने यहाँ पे कमांड्स के बारे में ज़्यादा उतनी डिटेल में बात नहीं की, उतनी गहराई में बात नहीं की है, अगर आप उस डिटेल पे लेवल पे सीखना चाहते हो और ऑटोकैड पे एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो PTS CAD एक्सपर्ट के यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कॉन्टैक्ट लिंक्स। तो कॉन्टैक्ट पे जाके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कोर्सेज ले सकते हो। कोर्सेज काफ़ी चीप हैं, काफ़ी सस्ते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ट्रेनिंग्स के लिए। नंबर्स भी हमें गिवन है, आप वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी कि क्या है चीज़ें क्या नहीं है। तो ये थी मेरी तरफ से ऑटोकैड की एक पूरी क्लास। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन, दिस इज रजत फासलिया सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम PTS CAD एक्सपर्ट। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट।